अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड सेवैयाँ। कस्टर्ड सेवैयाँ कैसे बनती हैं, क्या कुछ चाहिए होता है, किस तरह से बनाते हैं, चलते हैं अपने किचन में, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू माई किचन। यहाँ मैं अपनी पतीली में हाफ लीटर मिल्क ऐड करती हूँ और इसको हम बॉयल करते हैं मिल्क को अच्छे से। चलिए जी फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ मेरे अच्छा सा बॉईल आ गया है। मैं इसमें अपनी सेवैयाँ ऐड करती हूँ। या मेरे पास एक बोल में बस थोड़ी सी सेवैयाँ हैं, इतनी ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि ये कस्टर्ड सेवैयाँ हैं। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा कुक करूँगी इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, सेवैयाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं इसमें। अब मैं इसमें तीन से चार चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम पिस्ता, वो ऐड कर रही हूँ। इसको एक बॉईल दिलाएंगे। यहाँ मैंने कस्टर्ड भी मिक्स कर लिया है। ये देखिए, तीन चम्मच बड़े खाने के कस्टर्ड मैंने मिक्स किए हैं थोड़े से मिल्क में। इसको मैं स्लोली स्लोली ऐड करती जाऊँगी और साथ साथ चम्मच हिलाती जाऊँगी इस तरह से। इसको इस तरह से मैं 2 से 3 मिनट हिलाती जाऊंगी। ये देखिए थिकनेस सी आ रही है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी इसकी थिकनेस सी एक रेडी हो गई है मेरी मज़ेदार कस्टर्ड्स सेवैयाँ। इसको अब हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी प्यारी सी मज़ेदार कस्टर्ड वाली सेवैयाँ रेडी हैं। वेरी डिलीशियस और वेरी यमी। इनको हमने प्यारे प्यारे से 3 बाउल्स में निकाल लिया है। इनको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं इस तरह से, जो थोड़ा सा हमने बचाया था। ड्राई फ्रूट हमारा, इसको ठंडा करके खाइएगा और भी मज़े की लगेंगी। गरम खाना चाहें तो आप गरम भी खा सकते हैं। वेरी डिलीशियस एंड वेरी यमी हमारी सेवैयाँ यहाँ रेडी है। कोई भी दावत हो तो आप स्वीट में ये घर में ही झटपट से बना सकती हैं और इस तरह से जब डेकोरेट करके रखेंगे तो दस्तरखान की तो शान ही बढ़ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।